तो मैं आपसे ये कहूंगी सिर्फ कि ये सब जो कम पढ़ी लिखी है या जिनको इंग्लिश नहीं आती है या जो इंट्रोवर्ट है, उनको प्लीज सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो है आत्मविश्वास। आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए। यू आर नॉट इन्फीरियर, किसी से भी कम नहीं है आप। उनके बराबर सामने आइए और आपके लिए बहुत सारे काम है। ज़रूरी नहीं हर कोई ऑफिस में जाके काम करे, ज़रूरी नहीं स्कूल में पढ़ाने लगे। देर आर प्लेंटी ऑफ वर्क्स, इफ़ यू वॉन्ट टू डू देर आर प्लेंटी, आप वो सारे काम कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। ज़रूर से ज़रूर वो काम कीजिए। काम करने के लिए घर में रह कर के बहुत कुछ है। आप टिफ़िन सर्विस कर सकती है, आप क्लाउड किचन्स में पार्टिसिपेट कर सकती है। कोई भी डिश जो आपको स्पेशली बनानी आती है, क्लाउड किचन वाले वो लोग आपसे ले लेंगे। आपको बिल्कुल वहाँ जाना ही नहीं होगा, वो आपकी पेमेंट तक करने के लिए आपके घर आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप कर सकती, क्राफ्ट वर्क कर सकती है, हैंड नेटिंग कर सकती है, बहुत कुछ है। अगर आप के अंदर एक ये पक्का निश्चय हो कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, तो आपको कभी अपने कम पढ़े लिखे होने का की याद नहीं आएगी, कभी आपको अपनी शक्ल सूरत नहीं याद आएगी, कभी आपको अपनी उम्र याद नहीं आएगी। बहुत सारे लोग ये भी एक्सक्यूज़ मुझे देते मिले हैं, अरे अब हम इस उम्र में क्या करेंगे। उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ एक नंबर है बस, ये जान लीजिए, जिसको हम अननेसेसरी हवा बनाकर बैठ गए हैं। उम्र कुछ नहीं होती, हर समय इंसान बहुत कुछ कर सकता है, अनटिल अनलेस कि वो अनहेल्दी हो, कोई बीमारी हो। तो प्लीज़ अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए, डिपेंडेंट नहीं। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो प्लीज़, अगर आपका उद्देश्य सिर्फ इतना है, एक एम लेके आप चल रहे कि मेरे पढ़े लिखे होने का मतलब मेरी अच्छे घर में शादी, तो फिर तो बात ही ख़त्म है। आप बनी रहिए ज़िंदगी भर किसी की डिपेंडेंट। लेकिन अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो शादी आपका अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको आगे बढ़ के पढ़ाई करनी चाहिए और कैरियर ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए। ऐसे कोर्सेज सेलेक्ट करने चाहिए जिनसे आप कुछ कर सकें, जहाँ जाकर के आप अपने आप को साबित कर सकें। प्रूव योरसेल्फ, बी इंडिपेंडेंट, बार बार कह रही हूँ, वरना फिर एक आखिरी रास्ता तो है ही, हाथ फैला लीजिए। चाहे कोई सामने हो, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे जेठ जेठानी हो, चाहे कोई भी हो, आउटसाइडर हो, किसी के भी सामने हाथ फैलाइए, हेल्प मांगिए। तो मैं तो उस हेल्प को भीख कहती हूँ बहुत से दिवाद, और भीख मांगना बहुत बुरा होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सोचिएगा और मुझे बताइएगा। ये वीडियो मेरा दो पार्ट में एंड हो रहा है, इसको वीडियो ए वीडियो बी प्लीज़ पूरा सुनिएगा और मुझे अपने विचार आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वही मेरे लिए एनकरेजमेंट है, वही मेरा प्राइज है। थैंक यू, बाय बाय।